अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं पहुंच चुका हूं अल शफा फ्यूचर हॉस्पिटल। आपको पता ही है मुझे डेली शूट करना होता है, इंटरव्यूज होते हैं, क्लासेस होती हैं, पढ़ाना होता है, डेली लेक्चर्स होते हैं, वो मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं। तो मेरी आंखों के नीचे जो ये आपको झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं, ये फिर जो ब्लैक हेड्स हैं वो अपलिफ्टिंग है, या फिर चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल हैं उनकी वजह से मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट कैसे होता है और ये कितना को चीप है या कितना को एक्सपेंसिव है। तो चलते हैं, मैंने अपॉइंटमेंट उसी दिन ले ली थी डॉक्टर साहब से, तो आज हम अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे फीडबैक। थैंक यू, चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सा ट्रीटमेंट करने लगे पहले? हम आपका हाइड्राफेशियल करेंगे, उसके लिए पहले आपको मैं क्लिंजिंग क्रीम लगाऊंगा आपके चेहरे पे, तो उसके अलावा इसमें आपका डर्मा एब्रेशन होगा, जो आपकी रिंकल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी, चेहरे की ग्लो बेहतर हो जाएगी, जो डेड स्किन है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके, ग्रेट ग्रेट, तो चलिए शुरू करते हैं सर। जी बिल्कुल, क्लिंजिंग क्रीम है ये, क्लिंजिंग क्रीम है। इनकी स्किन एक्सफोलिएशन होगी वो फिजिकली होगी, इसके साथ इसको डर्मा एब्रेशन बोलते हैं, उसमें इनकी जो डेड स्किन होगी वो इसके साथ वैक्यूम प्रेशर के साथ साक हो जाएगी, और उसके बाद एक दफ़ा होगी उसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, सीरम्स, उसके साथ भी होगी इनकी एक्सफोलिएशन होगी। ओके, इस मशीन में ना मुख्तलिफ किस्म के सीरम्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिक एसिड है, तो एक सीरम हमने अभी अप्लाई किया, तो अब दूसरा हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो अभी हम आपका दूसरा कौन सा जी? वो ग्लाइकोलिक एसिड होगा। ओके, ग्लाइकोलिक एसिड, चले जी। तो उसमें संग कर रहे थे हम डेड टिश्यूज़ को, इसमें क्या कर रहा जी? ये सेम ही है, सेम प्रोसीजर है। ओके, ये कोल्ड हैमर है, ये जो भी स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करेगा आपकी, और आपकी थोड़ी स्किन टाइट हो जाएगी इससे। तो ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कोल्ड हैमर थोड़ी एलोवेरा जल लगेगी, उसके बाद वो कोल्ड हैमर लगेगा जी स्किन को टाइट करने के लिए। ओह माय गॉड,
आपके नेक्स्ट स्टेप है इसमें माइक्रो करंट, ये आपकी स्किन के अंदर अगेन वो जो इन्फ्लेमेशन होगी स्वेलिंग उसको कम करेगी, और स्किन के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं जिसमें केराटीन कोलेजन वो इसको स्टिमुलेट करेगी तो आपकी स्किन उससे टाइट होगी। तो अभी ये शुरू करने लगे हैं। ओके, तो ये स्टेप फोर है जी। जी तो ये स्टेप फोर स्टार्ट हो जाए जी। ओके जी, फिफ्थ ओके। तीन सीरम्स फोर्थ, हाँ ये पाँचवा। टोटल कितने होंगे जी? पांच होंगे ना? छह। उसके बाद टोटल वाव। फिर तुसी सोने पांच जी। आए हाय, इस थेरेपी का क्या नाम बताया आपने सर? माइक्रो करंट। हाँ फील हो रही है। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये आरएफ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। इससे आपकी जो स्किन है स्वेलिंग जितनी भी होती है वो कम होती है। इससे आपके जो स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी, उसमें मुख्तलिफ ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी इससे। ग्रेट, तो ये सिक्स नंबर स्टेप है जी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डीप क्लींजिंग का, इनकी स्किन जो डीप क्लीन करूँगा मैं। ओके जी, स्टेप नंबर सेवन स्टार्ट हो गया जी, और मशीन ने कह दिया स्टार्ट, लेट्स सी। ओ माय गॉड, ये वाकई डीप क्लीनिंग है भाई। नेक्स्ट स्टेप है मास्क का, ये अकॉर्डिंग टू जो भी फेस का टेक्सचर होता है उसके मुताबिक हम लगाते हैं। तो जैसे रील भाई बता रहे हैं उनकी स्किन ड्राई रहती है तो इसके लिए हम हाइड्रोजेल मास्क यूज़ कर रहे हैं, ये मैं अभी लगा रहा हूँ। ओके जी, मास्क तो बड़ी दफ़ा लगवाए हैं लेकिन आज देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में, जदीद तरीन हॉस्पिटल में मास्क किस तरह का होता है। तो लेट्स सी, वाओ। स्टेप हमारा जो फाइनल स्टेप है वो फोटोथेरेपी का, तो वो अभी हम लगा रहे हैं। गाइस, अब मेरी आंखें बंद कर दी गई हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा मेरे साथ क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, मेरी आवाज़ गूंज रही है, लगता है मेरे ऊपर कोई चीज़ रखी गई है। हाय हाय, यूं फील हो रहा है कि जैसे मुझे किसी मशीन में डाला है इन्होंने, रोशनी हुई है, पता नहीं क्या हुआ। जी फ्रेंड, मेरा थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है जिसके तकरीबन 9 स्टेप थे और ऑलमोस्ट हमें 40 मिनट लगे हैं। और अभी मुझे जो है कुछ
फील हो रहा है अंदर से। ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था और मुझे कोई भी ऐसी इरिटेशन वगैरह नहीं हुई। या फिर सम टाइम हम फेशियल करवाते हैं तो किसी का हाथ बड़ा सख्त लग जाता है, मशीन में ज़्यादा करंट होता है, या इस तरह की कोई चीज़ मुझे फील नहीं हुई। एंड मुझे तो नींद आना स्टार्ट हो गई थी इनफैक्ट, और स्पेशली जो फोटोथेरेपी थी उसमें जब आंखें मेरी बंद थी तो दिल कर रहा था कि बस सो जाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे सुकून फील हो रहा था और कुछ फीलिंग आ रही थी कि कुछ वो जिस तरह की कह रहे थे कि ये आप स्किन टाइट करेगा, तो वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। एंड आई होप कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हमें रिजल्ट नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, मेरा हाइड्रा फेशियल कंप्लीट हो चुका है और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स अब कब तक हमें नज़र आना स्टार्ट होंगे और उसके कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरा ट्रीटमेंट किया। मुझे बताएं अब मुझे क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और इसके कोई साइड इफेक्ट है या इफेक्ट कब तक नज़र आएंगे? आपने 2-3 दिन के लिए जो है ज़्यादा सन में नहीं जाना, अगर जाएँ तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है और चेहरे पे कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करनी जिससे आपको इरिटेशन हो, बर्निंग हो। और जो मेरे चेहरे पे ये चेंज कुछ आपको नज़र आया या फिर ये कब तक हमें इसके इफेक्ट नज़र आएंगे? इसके आपको जो इफेक्ट है मैक्सिमम वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। ओके ग्रेट ग्रेट, यानी कि ये अभी एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये 2-3 दिन लगेंगे तब मुझे ये नज़र आना स्टार्ट होगा कि ट्रीटमेंट का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो फेशियल और हाइड्रा फेशियल के अंदर क्या डिफरेंस है, और अब मैं आपको जो 2-3 दिन बाद जब मिलूँगा लाइव तो इंशाल्लाह आपको भी चीज़ नज़र आएगी, और अब मैं जो बाकी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ तो इंशाल्लाह एक लुक चेंज जो है वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।